संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टिकरी और सिंधु बॉर्डर के किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। एसकेएम के धरना वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद सैकड़ों किसानों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर घर की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि वे 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद घर जाएंगे। बात अगर सोनीपत कुंडली बॉर्डर की करें तो यहां पर भी किसानों ने अपने अपने टेंट और झोपड़ियों को हटाना शुरू कर दिया है। यहां मौजूद किसान नेताओं का कहना है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसकी समाप्ति भी ऐतिहासिक होगी। 11 को सुबह 9 बजे सभी फतेह मार्च करते हुए सभी बिल्डरों को खाली करते हुए अपने घर की तरफ रवाना होंगे। आंदोलन ने अपना एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर इसने गाड़ दिया है और 11 तारीख से किसान मोर्चों से हटना शुरू करेंगे, घर वापसी शुरू फतेह मार्च के रूप में 11 तारीख सुबह 9 बजे से यहां से रवानगी शुरू हो जाएगी सभी मोर्चों से और 13 तारीख को 32 किसान जथेबंदियों की लीडरशिप गोल्डन टेंपल हरिमंदर साहब जलियांवाला बाग वहां पे सिजदा करेंगे और नमन करेंगे और इसके अलावा 15 जनवरी की हमने अगली बैठक बुलाई है ताकि जो आज सरकार ने हमें एक भेजा है, जो प्रस्ताव फाइनल करके भेजा है गवर्नमेंट के लेटर के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर के रूप में, तो अगर उस पर कोई प्रगति ना हुई तो फिर 15 जनवरी को अगली रूपरेखा। बता दें कि अपनी घर वापसी को लेकर एक तरफ किसान खुश हैं तो वहीं यहां से जाने पर उन्हें काफी दुख भी है, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने यहां कई दोस्त बना लिए जिनसे अब वो दूर होना नहीं चाहते। एक गांव बसाया था हम लोगों ने आप लोगों की मदद से, आले दुआले के सभी लोगों को, तो अभी उनसे थोड़ी घनिष्ठता भी हुई है। अभी तो अभी आपके लिए बहुत सा मटेरियल होगा, बहुत इमोशनल दृश्य भी होंगे, छोड़ते हुए दर्द भी होगा। यहाँ जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एसी फ्रीजर पिज्जा बनाने की मशीन तक यहाँ पर लगी, गन्ना जूस तक की मशीन यहाँ पर लगी है, एसी लगे हैं, फ्रिज लगे हैं, वो सामान लेकर आए थे, वो सामान वापिस आएगा पंजाब? देखिए इसके इस मामले में अगर ये सभी जथेबंदियों का अपना अपना फैसला होगा, जो एक कॉमन संयुक्त किसान मोर्चे का पंडाल या इस तरह की प्रॉपर्टी है, जैसे ये कजारिया था तो कजारिया में हम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि इस आदमी ने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत झेला है सरकार का दबाव झेला, तो इसको तो छोड़ के जाएंगे सभी कुछ यहीं पे। और जो दूसरे हिस्से हैं उनमें से हर एक जथेबंदी अपना सोचेगी, कई लोगों के नज़दीक लोगों से घनिष्ठ संबंध भी हैं तो हो सकता है वो आदान प्रदान कर ले। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए थे, स्टेज बनी थी, सीसीटीवी कैमरे उतारे जाएंगे क्या? बिल्कुल, स्टेज भी डिसमेंटल होगी, सीसीटीवी कैमरे भी डिसमेंटल होंगे, पंडाल भी डिसमेंटल होगा। किसान नेता रुपेंद्र सिंह ने बताया कि ये सभी जथेबंदियों का अपना फैसला होगा, उन्हें सामाजिक सामान का क्या करना है, अपने साथ ले जाना है या फिर यहीं पर किसी को देकर जाना है। कुछ मिलाकर कहा जाए तो किसानों ने भले ही आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर अस्थायी घर बनाया हो, लेकिन वो वहां से कभी ना खत्म होने वाले संबंध बनाकर जा रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।